फ्रेंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, देखिए बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है देखिए कहीं भी, और बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा है यहाँ पे, बरसात आ रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। थोड़ा मुझे भी फ्रेंड काफ़ी इन्जॉयमेंट आ रहा है इस चीज़ का। बट इस मौसम में फ्रेंड जो हमारे पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल है उनकी हम परफॉर्मेंस देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है इंडिया में जहाँ पर धूप भी बहुत कम निकलती है और ऐसा ही मौसम रहता है, तो वहाँ पर जो हमारे सोलर पैनल की परफॉर्मेंस कैसी रहने वाली है इसको देख के आपको एक आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पे देखिए हमारे 6 सोलर पैनल लगे हुए हैं, जैसा कि आपको पता है, आप मेरा सोलर सिस्टम कई बार देख चुके होंगे, आपको याद भी हो गया होगा कई लोगों को। तो आज इस मौसम में फ्रेंड मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाने वाला हूँ, बिल्कुल भी धूप नहीं है, टाइम हुआ है दिन के 12 बजे। तो फ्रेंड ये पूरा सिस्टम, इसकी पूरी परफॉर्मेंस देखेंगे, तो आइए चलते हैं UTL गामा प्लस की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो UTL गामा प्लस है और जो फ्रेंड हमारा 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो बरसात के मौसम में कितना सक्सेस है। देखिए आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे फ्रेंड अभी बाहर बरसात आ रही है, देखिए अभी मैं मौसम भी दिखा दूंगा आपको। और यहाँ पे फ्रेंड देखिए हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, दिन के 12 बजने वाले हैं, लगभग फिक्स 12 बज चुके हैं फ्रेंड, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फिक्स 12 बज चुके हैं और यहाँ पर देखिए बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है। और देखिए लोड भी कितना चल रहा है ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ, केवल 11% लोड चल रहा है, मतलब कि 1 से 2 फैन चल रहे हैं अभी और बरसात हो रही है, अभी धूप नहीं निकल रही है। तो फ्रेंड इस मौसम में जो हमारे पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल है इनकी UTL जो UTL गामा प्लस है इसमें एक MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, तो फ्रेंड इसकी परफॉर्मेंस देखिए बरसात के मौसम में कैसी रहती है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। टाइम हुआ है दिन के 12 बजे हैं और अभी 11% लोड चल रहा है और बैटरी हमारी डिस्चार्ज हो रही है धीरे धीरे। देखिए सोलर से कितने एम्पियर और कितने वोल्टेज आ रहे हैं ये भी मैं दिखा देता हूँ, 219 वोल्ट अभी आउटपुट में दे रहा है और 0.5 एम्पियर लगभग बैटरी में जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए 12.5 वोल्ट पर हमारी बैटरी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे 12.5 वोल्ट पे हमारी बैटरी है और 1.1 एम्पियर से अभी ये चार्ज होना स्टार्ट हो गई है। देखिए बैटरी अभी देखिए बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो गई है फ्रेंड, फिर डिस्चार्जिंग देखिए यहाँ पर डिस्चार्ज भी हो रही है और 12.5 वोल्ट पे हमारी बैटरी है। यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन में है और देखिए 636.5 यूनिट से अब तक हम सेव कर चुके हैं और 4.2 एम्पियर देखिए सोलर पैनल से आ रहे हैं, अभी 4.2 एम्पियर आ रहे हैं और मेंस अभी अवेलेबल नहीं है। देखिए बैटरी पे चार्ज होने लग गई है वापस से और यहाँ पे देखिए सोलर से वोल्टेज आ रहे हैं 35.3 वोल्ट, 35.6 वोल्ट, क्योंकि फ्रेंड पैनल अभी बहुत ज़्यादा मतलब पैनल का टेम्परेचर कम हो गया है इसलिए जो ये वोल्टेज है काफ़ी बढ़ गया है, वैसे 30 वोल्ट के समथिंग रहता है जब ये फुल आउटपुट इससे लेते हैं बैटरी डिस्चार्ज होती है उस समय सोलर का वोल्टेज। बट फ्रेंड अभी हमारे सोलर पैनल क्या है, जैसे बरसात होने से थोड़ा इनका टेम्परेचर गिर गया, नहीं दिन के 12 बजे ओवर टेम्परेचर के कारण 30 वोल्ट तक ये पहुँच जाते हैं। देखिए अभी बैटरी चार्ज होने लगी है और यहाँ पर देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, 4.3 एम्पियर आ रहे हैं, देखिए 4.4 एम्पियर आ रहे हैं और देखिए 1.5 एम्पियर से हमारी बैटरी चार्ज होने लगी है, 12.6 वोल्ट पर हमारी बैटरी आ चुकी है, 2 एम्पियर से चार्ज होने लगी है, देखिए 2 एम्पियर से भी चार्ज हो रही है कभी कभी और यहाँ पे लोड देखिए 11% चल रहा है अभी भी कांस्टेंट और टाइम हुआ है दिन के 12 बजे, अभी देखिए 35.4 वोल्ट और 4.6 एम्पियर आ रहे हैं लगभग यहाँ पर और 11% हमारा, देखिए 2.3 एम्पियर से अभी हमारी बैटरी चार्ज हो रही है और 12.6 वोल्ट पे हमारी बैटरी आ चुकी है और यहाँ पे देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, 11% लोड चल रहा है। तो फ्रेंड ये थी बरसात के मौसम में जो हमारी पॉलीक्रिस्टलिन सोलर पैनल है इनकी परफॉर्मेंस। अब मैं जो बरसात का सीन है